गुरुवार को सुरेश भट्ट सभागृह में कोविड टेस्ट मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पालक मंत्री नितिन राउत और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य लोग उपस्थित थे। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच टेस्टिंग की संख्या बढ़े, इस उद्देश्य से बुधवार को कोविड टेस्ट मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया। मनपा की सहायता से इस मोबाइल लैब की शुरुआत की गई, जिसमें स्पाइसजेट हेल्थ कंपनी के माध्यम से आरटीपीसीआर टेस्ट की जाएगी। इस वक्त महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि इस मोबाइल लैब की वजह से टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल की वजह से इस मोबाइल लैब का उद्घाटन शहर में हो पाया है। ने एक संकल्पना रखी कि स्पाइस जेट के माध्यम से एक मोबाइल लैब बनाई गई है, जिस मोबाइल लैब को अगर नागपुर में लाया गया तो बड़े प्रमाण में हम लोग टेस्टिंग के प्रमाण को बढ़ा सकते हैं। अखबारों से लेकर के सभी जगह बड़ी एक चर्चा थी कि बीच में एक दिन होली के दिन हमारी टेस्टिंग बंद होने के कारण पेंडेंसी इतनी बढ़ गई थी कि तीन तीन दिन के बाद कहीं कहीं चार चार दिन के बाद रिपोर्ट आ रही थी। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए निगम आयुक्त जी ने एंटीजन टेस्ट का सॉल्यूशन निकाला कि हम तीन दिन केवल एंटीजन करेंगे और इस पेंडेंसी को समाप्त करेंगे। यह बात जब नितिन जी को पता चली तो नितिन जी ने यहाँ की टेस्टिंग लेबोरेटरी की कैपेसिटी बढ़ाने की दृष्टि से स्पाइस जेट से बात की और स्पाइस जेट के माध्यम से यह वैन माननीय नितिन जी के प्रयासों से यहाँ पर उपलब्ध हुई। सेंटर से सारे सैंपल कलेक्ट हो गए और इस लेबोरेटरी में आए गए और इस लेबोरेटरी के माध्यम से 24 घंटे के अंदर ये 3000 रिपोर्ट हमको मिलेगी। नितिन जी की संकल्पना यह थी कि विदर्भ में टेस्टिंग का प्रमाण बढ़ना चाहिए, इसलिए स्पाइस जेट से उन्होंने जब चर्चा की तो स्पाइस जेट ने एक सुविधा उपलब्ध करा के दी कि जो सैंपल यहाँ पहुँचेंगे वो एक घंटे में एयरलिफ्टिंग होकर के दिल्ली चले जाएंगे और उनकी सेंट्रलाइज लैब में 12,000 सैंपल वो रोज चेक कर सकते हैं। इसलिए विदर्भ में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जनरेट हो जाए, ये प्रयास माननीय नितिन जी के माध्यम से हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महापौर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधा कृष्ण बी को धन्यवाद किया और कहा कि इस मोबाइल लैब की वजह से अब टेस्ट की रिपोर्ट मोबाइल पर आएगी, जिसका फायदा नागपुर शहर की जनता को मिलेगा। उन्होंने महापौर और मनपा आयुक्त को कहा कि ग्रामीण इलाके के लोगों की भी टेस्ट यहाँ की जाए, जिससे उन्हें भी मदद मिलेगी। महानगर पालिका को भी 25 दिए हैं, अब आज मैंने विदर्भ के बाकी हॉस्पिटल को भी दे रहे हैं और ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी एक 1000 दो तीन दिन में आएंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी जैसे गांव है या हमारा देवला पार पारसिवनी टाइप गांव है, वहाँ हम उसकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण लोगों का मृत्यु हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल पर कि दिल्ली के गुरुद्वारा ने अपना जो रेलिंग पाइप था उसमें ऑक्सीजन छोड़कर काफ़ी लोग लाइन में गुरुद्वारा के बाहर लेकर ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसा चित्र हमें देखने के लिए मिला है। तो अलग अलग योजनाएं चल रही है, मैंने विशेष रूप से सीएसआर में से अभी नागपुर के 5 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्लांट भी प्रेजेंट करने का निर्णय किया है, जिसमें हवा से ऑक्सीजन तैयार होगा और मेडिकल में इसके लिए भी WCL ने 15 करोड़ देने के बारे में वो भी अंतिम निर्णय हो रहा है। अभी मैं कलेक्टर ऑफिस में था और हमारा जो ऑक्सीजन आ रहा है वो 200 टन पर डे आए, इसकी जिम्मेदारी अब हमारे ट्रांसपोर्टर पैरे खान जी है जो वहाँ उपस्थित है उनके ऊपर डाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड में से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर हम एयरलिफ्ट करके लाए और वो ऑक्सीजन 25 टन उसमें आएगा उसको भी हमारे यहाँ लाए ताकि ऑक्सीजन से कोई मरे नहीं। हमने 300 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लाए हैं, उसमें से 100 मिले वो भी हमने सिस्टम में दे दिए हैं। इतना ही नहीं तो अभी 3000 सिलेंडर और खरीद रहे हैं जो विदर्भ के सिस्टम में आएंगे और जो रेमडेसिविर करके जो दवाई है वो बहुत शॉर्टेज चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है, अभी उसकी बातचीत हो गई और कल या परसों उसका प्रोडक्शन वर्धा में शुरू हो जाएगा। 7 दिन में वो स्टॉक रख, पहले 15 दिन का था पर 7 दिन उसको रखना पड़ेगा और आने वाले 10 दिन के अंदर विदर्भ के सब जिले में रेमडेसिविर की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी, पूरा सरप्लस हम उसको सप्लाई कर देंगे और लोगों की जान उससे बचाने की पूरी कोशिश। इस लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पालक मंत्री नितिन राउत, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, महापौर दयाशंकर तिवारी, सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, विधायक गिरीश व्यास,
नागो गाणार, प्रवीण दटके, कृष्णा खोपड़ी, विकास कुंभारी, मोहन मते, विकास ठाकरे, स्पाइस ग्रुप के चेयरमैन अजय सिंह, स्पाइस हेल्थ ग्रुप सीईओ अवनी सिंह, उप महापौर मनीषा धावड़े, मनपा में सत्ता पक्ष नेता विकास ठाकरे समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, बीसी न्यूज नागपुर।